आदरणीय श्रोता सब नमस्कार, स्वागत है रेडियो जनकपुर 97 MHz से प्रसारित कार्यक्रम कोरोना विशेष। अखन ई साँझ के कार्यक्रम ल क उपस्थित भ गेल छी कार्यक्रम प्रस्तोता हम शीतल शाह। एना आब हम कनी शुरुआत कर चाह रहल छी कि आई हम जठी गेल छलिए तो जठी में हमसब जैसे जाय काल जी के फोन क के हम सब साथ लेने छलिए और तीन आदमी हम सब जैसे संगे के लिए तो जब जनकपुर से निकल लिए हम सब अपने के मुरली चौक द क मुरली चौक में जैसे प्रहरी सब चौकी में ढोई छला है। हम सब अइ संदर्भ में सेहो जैसे बात दोसर दिन राखब। ट्रैफिक के जैसे व्यवस्थापन केना भ रहल है, उ रसीद कटा रहल है, सेहो नाम ठेगाना कक राखल जाए और ई पैसा सब ओहिठाम जमा है कि नहीं, इहो बात हम सब जैसे बुझ के प्रयास करब। तो हम सब शुरुआत करे छी जब मुरली चौक से अगाड़ी गेली ओहिठाम रोड बिगड़ल छले और हम सब लौट के फेरो अपने के माछा बाजार द के 6 लाइन पकड़ली और 6 लाइन में टेपते मातर वो यह सयों सयों के संख्या अपने के महिला बाल बच्चा सब अपने सबके जैसे हमरा भेटल और हम सब जैसे उतर के हुनका संगे बातचीत कैली। सुनी उनके शब्द। काठमांडू से कते भाड़ा लगे यहाँ का आवे के? कते भाड़ा ले लेके आप भी चलिए, आप चलिए तो यहाँ पर कति वाला वाला पुलिस सब रास्ता में ना रोकल के तो सब घुस दे के लिए। अपने सुनल जाओ जे उ सब कह रहल है कि काठमांडू से एता आब में 2500 रुपया बस भाड़ा लेल के है और बस जब 2500 ल के खुलेआम आल है और रास्ता में प्रहरी सब रोकल के है तो ओकरा सब के ठाव ठाव में पैसा दैत गेले है और बस निकलित गेले है। ई एगो दुगो नहीं अपने के 5 गो 7 गो बस के उ सब जैसे उ टीम बताब रहल है और आइ हमरा लाग रहल है 400-500 के संख्या में जठी बॉर्डर, जबकि प्रशासन काल्हि से सील कैल के 250-250 के संख्या में जठी बॉर्डर पर पहुँचल। रात भर वैसा बाल बच्चा जब बच्चा सब जैसे ओहिठाम पटक पटक दुनू तरफ के प्रहरी सब संगे दुर्व्यवहार होइ है और पता नहीं बंद के अवस्था में सेहो जैसे उ सब कोन हिसाब से आरी पारी होइ छथिन से हमरा सबके बुझे में नहीं आबि रहल है। तो इस संदर्भ में हल्का ओहिठाम जैसे झड़प के स्थिति सेहो भेल छलै है तो सुनी जैसे ओहिठाम हल्का झड़प के जैसे सब कह रहे दू दिन से हम सब खाना नहीं खेने छी काट के और सवेरे निकल ले खिचड़ी सिचड़ी खा के सरकार मोदी के सरकार के छाइत में और नीतीश कुमार के छाइत में हम लोग और सही साहब के हम सब अ लागी बात कर रहल छी कि सही साहब कनी झड़प के पोजीशन में गेलखिन और बॉर्डर पर आब वाला के ओ जे मीडिया के गाड़ी देख के कनी झड़प के एक्शन में एलखिन ओ हमरो सब पर कनी अथी केलखिन। जब जैसे नाम सुनलखिन बात सुनलखिन तेकर बाद जैसे ओ अपन विदा भेलखिन और ओ दुर्व्यवहार बंद कैलखिन। अगर हम सब नहीं रहती तो सब आसानी से या कौन तरीका से जैसे क्रॉस होते ये बात बुझे के बात है और ये पटक पटक हम सब आवाज उठाब रहल छी कि बॉर्डर पर अ तरीका से संगठित अपराध अपने के जे संगठित संस्था से जे भ रहल है हमरा से बहुत दुखदायी बात है और अ संदर्भ में हम सब अतने मात्र नहीं हम सब ओहिठाम पहुँच के लगभग 400-500 के जे संख्या में जे भारतीय नागरिक सब ईटा भट्टा में काम करे वाला जे लेबर मजदूर सब जे जिनका अपने के ओहिठाम कुछ के जैसे तलब भेटल कुछ के नहीं भेटल और इस सब धादिंग काठमांडू विभिन्न जगह से आयल आदमी जे बिहार के विभिन्न जगह से जे अपने सब सुनलिए मोच और अही संदर्भ में हम सब जैसे सीडीओ साहब संगे से हो जैसे बातचीत कने छली बॉर्डर पर से हम सब सुनिए अपने सब जैसे सीडीओ साहब संग। नमस्कार नमस्कार, मैले त सरको फोन उठाएको फेरि कागजको हातले छोएर काट्यो कि अहिले फेरि गरेको व्यस्त भयो। अलि व्यस्त भए म त यता जठीतिर आएको छु सर होइन, यो त एकदमै गम्भीर स्थिति देखिरहेको छौ। हिजोदेखि 250-300 भारतीय मान्छेहरू यहाँ हाम्रो बोर्डरमा बसिरहेका छन् अनि अहिले जनकपुरबाट आउँदा मलाई लाग्छ बाटोलाई कस्तो शोषण हुँदो रहेछ भने बसले 2500 रुपियाँ लियो र अटोले त्यो बिन्दीबाट यता ल्याएको पर हेड कोहीसँग 200-300-400
लिएरै लिएर बसिरहेका छन्। अब ऊ त यो त एकदमै गम्भीर समस्या देखिरहेको छौँ सर, यसले त ठुलो हामीलाई यस्तो यस्तो सर यस्तो भयो कि सर, हिजोसम्म त्यहाँ हाम्रो पनि ल्याउँथ्यो उता लान दिइरहेको थियो, हजुर हजुर अलिअलि दिइरहेको थियो, हाम्रो यता रोकियो, हजुर अब रोकिएपछि उनीहरूले पनि अर्को बाटोमा लैजा भनेको छ, भरे बेलासम्म त्यसलाई पास गराउँछन् सर, व्यवस्था गराउन ठिक छ। त्यही त यो एकदमै समस्या भयो, यो त फेरि भन्दा पनि अरू भन्दा पनि सर उताबाट आउने पनि स्वर बाटोबाट छिरिरहेका छन्, अनि यताबाट जाँदा मान्लु जाने यहाँ धनुषाको बोर्डरमा भयो भने केही घटना भयो भने त हाम्रो धनुषा जिल्लाको नाम आउँछ। होइन अब त्यो आउँछ सर, अब त्यो हिजो अस्तिसम्म के थियो भने हामीले पनि ल्याइरहेको थियो, सतसतिजना दिइरहेको थियो, हजुर हजुर, अब त्यसपछि यहाँ अलिअलि जान पाइन्छ भने कसले इन्द्रका पनि आफ्नो नेटवर्क छ नि, अनि यहाँबाट जान पाइन्छ भने यताबाट आए, अब आज हिजो हाम्रो रोकेपछि उनीहरूले पनि दिउँसो जान अब हुँदैन भनेर हजुर हुन्छ सर, अलिकति आऊ गरिदिनु पर्यो एउटा भए पनि नाका चाहिँ खोल्नु पर्छ कि सर, यसले ठुलो एउटा हाम्रो यो वस्तु बाहेक भएन सर, यो त माथि केन्द्रको होइन, हजुर हजुर प्रयास गरेर गरेकै हुन्छ, अस्ति गर भनेको बेला गऱ्यौँ, अब रोक्नु भने रोक्नै पर्यो नेपाल, तर जाहेर गर्नु पर्यो समस्याको बारेमा जाहेर गरौँ होइन, हामी पनि त्यहाँ अब राख्छौँ कुरा होइन। आदरणीय मित्र सब हमने सब सुन लीजिए, हम सब सीडीओ साहब के यथार्थ जानकारी जे स्थलगत रिपोर्टिंग के बारे में कैली, कार्यक्रम संचालक शीतल शाह और अहिना प्राविधिक मित्र जय कुमार जी सहित हम सब जैसे विदा चाहे छी, धन्यवाद नमस्कार, अपने सबके दिन शुभ बीते।